वैदिकी बगैर उसके तो आराम भी नहीं आता, बगैर उसके तो आराम भी नहीं आता वो शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता। क्या बात है। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम नहीं है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अहले इस्लाम तो मुझे जो जो याद आए उस नालूंगा मैं। चार चार पंक्तियों की बड़ी संक्षिप्त सी कविताएं, हिंदी उर्दू पंजाबी अंग्रेजी में बराबर लिखने से कई बार ऐसे होता है कि सोचता कुछ हूँ भाषा कुछ लिख लेता हूँ, समीकरण ऐसा हो गया है पता नहीं चलता। चार चार पंक्तियों की स्वागत। सांप से खौफ अब नहीं आता, सांप से खौफ अब नहीं आता, सांप का जहर तो मैं झेल चुका, अब मुझे बीन के सुरों से बहुत खौफ आता है, इनका काटा हुआ कभी त्रियाक से नहीं बचता। त्रियाक उस औषधि को कहते हैं जैसे सांप के काटे का इलाज होता है, पत्थर सी होती है। सांप से खौफ अब नहीं आता, सांप का जहर तो मैं झेल चुका, अब मुझे बीन के सुरों से बहुत खौफ आता है, इनका काटा हुआ कभी त्रियाक से नहीं बचता। वाँ, वाँ। आपको तानपुरा पता है क्या होता है? वो जो पीछे अपनी अपने व्यक्तित्व को छुपाए हुए बजता रहता है और सितार निवास को सितार वाचक को वाचक बजाने वाले को सबसे ज्यादा शाबाशी मिलती है और उसी का नाम अखबारों में भी छपता है। लेकिन तानपुर का क्या काम है वो रेखा जी बताएंगी, यानी रेखा जी और इनके पति के बीच जो रिश्ता है वो तानपुरा और सितार का है। बंद हो जा सितार पीछे से तेरी तानों में खुद को खोए हुए, तान पूरा जो बज रहा है उसे मुझको सुनना है। एक जरा मुझे भूल जाती हैं, चलिए मैं कोशिश करता हूं याद है। बंद हो जा सितार पीछे से तेरी तानों में खुद को खोए हुए, एक ही सुर में एक ही लय में तान पूरा जो बज रहा है उसे मुझको सुनना है। इस हकीकत का मुझसे बढ़कर किसे पता है कोई, पीछे रहकर भी अपना सारा वजूद सारी मेहनत तमाम फिक्र अमल खुद से कुछ आगे रहने वाले पर कैसे कुर्बान करता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। सारा वजूद, मैं आपको अपने कोई 50 वर्ष पहले की छोटी सी कविता याद आ गई सुनाता हूँ। उसको पता नहीं था, उसको पता नहीं था पेंसिल के पीछे एक रबड़ लगा है। उसको पता नहीं था रबड़ मिटा सकता है नाम पते तारीखें जगहें सब रिश्ते संबंध ताल्लुक। क्या बात है, क्या बात है। उसको पता नहीं था ये भी हो सकता है, यानी जिस पेंसिल से उसका नाम कभी लिखकर सोचा था अब ये मेरे नाम से मिलकर हर्फ मुकर्रर बन जाएगा, दर्शन बन जाएगा। अब ये मेरे नाम से मिलकर हर्फ मुकर्रर बन जाएगा। उस पेंसिल के पीछे चिपके छोटे रबड़ की जुम्बश से नाम पते तारीखें जगहें सब रिश्ते संबंध जाएंगे। कोरा कागज जैसा उसके मिलने से पहले था वैसा रह जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और कविता भी, ये बहुत पुरानी कविताएं हैं लेकिन मुशायरों में सुनाने के लिए यही लगता है कि अच्छी लगती है मुझे। सांवरी सी वो लड़की चुड़बुली खिलंदड़ी सी, मेरे गीतों गजलों पर इस तरह हुई मोहित, सब्र की मनोवृत्ति से हाथ अपने धो बैठी, प्यार में वो यूं डूबी होश अपने खो बैठी। एक दिन पकड़ कर हाथ और मेरी आंखों में झांक कर कहा उसने, फर्क अपनी उम्रों में एक फजूल किस्सा है।
आप चाहे कुछ समझिए, मेरा प्रेम सच्चा है। बहुत अच्छे। आप मुझसे मांगे तो मुझको आजमाए तो, जिस में भला क्या शह प्राण पेश कर दूंगी, खाली आपकी झोली मोतियों से भर दूंगी। सुंदर। तीव्र प्रेम का ऐसा ये खुला खुला इजहार, नव युवा लड़कपन और उसका भोला भोला प्यार, उसके सांस की गर्मी और उसकी तेजी ने मेरे कुछ असूलों को जैसे आजमाया था, प्यार और ममता का एक मिला जुला जज्बा, उंगलियों की पोरों में वायलिन के तारों सा जैसे थरथराया था। बहुत सुंदर। नरम नरम गालों को मैंने थपथपाया था, चांद जैसी पेशानी, चांद जैसे माथे को चूम कर कहा था यूं, सोचो ए हसीन लड़की, हम में फर्क कितना है, तुम वसंत की पहली सुबह की सुनहरी धूप। तुम वसंत की पहली सुबह की सुनहरी धूप, मैं ठिठरती बर्फीली सर्दियों की ढलती छांव। क्या बात है, क्या बात है। अपने दोनों हाथों पर विरह की रेखा है, मार्च और दिसंबर का मिलन किसने देखा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। मार्च की पहली सुबह की सुनहरी धूप, मैं ठिठरती बर्फीली सर्दियों की ढलती छांव, अपने दोनों हाथों पर विरह की ही रेखा है, मार्च और दिसंबर का मिलन किसने देखा। बहुत सुंदर।